क्या कुछ पेश किया जाएगा जिसके लिए मैं दरखास्त करता हूँ हमारे सभी स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर बकास पत्रस को कि वो आए और सारे प्रोग्राम के बारे में आपको आगाह करें और इसके बारे में मुकम्मल तफसील से आपको बताएं। तो आप सबकी तालियों में जोरदार तालियों के साथ सभी बच्चों के साथ आज कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाने वाले हैं हमारे साथ इस मसीह के नाम से खुदा के सर मसीह के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। चलो भाई इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम हाई कर दो। आप सब खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? जरा आपको ऊपर करके दिखाएं। अब दूसरे वाला आप भी दिखाएं। आप सबके चेहरे अब जो उठा था आगे जाके जवाब दे दो। आज 2018 का सदर स्कूल का पहला प्रोग्राम है और आज आपको 2018 के पहले प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आप सबको नया साल मुबारक और मेरी दुआ है कि खुदा इस साल आपको ढेर खुशियां अता करे। आमीन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम हर माह संडे स्कूल का प्रोग्राम करवाते हैं। हमारे पास 15 संडे स्कूल हैं और 15 संडे स्कूल का यहाँ पर कॉम्पिटिशन करवाया जाता है। बच्चों के क्लास दिया जाता है कि बाइबल मुकद्दस में से आपने ये याद करके आना। कोई भी एक चीज दे दी जाती है जैसे कामों के द्वारा बनी होगी और इस तरह दूसरे परफॉर्मेंसेज और ड्रामा एक्टिंग वगैरह। तो आज भी हमने एक बच्चों को प्रोग्राम दिया है जिसमें हर संडे स्कूल से एक बच्चा सामने आएगा और 10 एक काम जुबानी इंग्लिश में सुनाएगा, 10 एक काम अंग्रेजी में सुनाएगा। तो इसके 10 नंबर काउंट किए जाएंगे और आज के हमारे जो प्रोग्राम के जज होंगे वो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। पास्टर शौकत साहब गुजारिश करते हैं जो अपने कदमों पर खड़े हैं हम उनके लिए फूल डालने के जाएंगे। इसके अलावा हमने प्रधान साहब को बुलाया था लेकिन वो नहीं पहुंच सके। बाकी हमारे पास जज है हम खुदा का शुक्रगुजार हैं कि वो अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। पिछले दो संडे से पादरी साहब आज सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि आपका 2017 कैसा रहा, खुदा ने कैसे कैसे आपकी जिंदगी में काम किया, कैसे कैसे आपको इस्तेमाल किया। सो मैं भी चाहूंगा कि अपने साथ जो खुदा ने खिदमत दी है उसको शेयर करूँ। सबसे पहले कुछ बुरी बातें। 2017 में तकरीबन मेरा 4 बार एक्सीडेंट हुआ बाइक से, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कभी कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। और 2018 में मैंने आगाज कर दिया है। जनवरी के मिड में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ लेकिन खुदा ने मेरे खुद रखा। तो उसके बाद खुदा ने ना सिर्फ लूथरन चर्च में इस्तेमाल किया बल्कि दूसरे चर्चेस में भी इस्तेमाल किया। लूथरन चर्च में मैंने इस साल 2 टीचर्स ट्रेनिंग करवाई, सैंडल स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग, और खुदा ने इस दिन ही लेक्चरर बनाया, फिर सैंडल स्कूल डायरेक्टर बनाया। मैं अपने बचपन से बताता हूँ कि मैं छोटा सा बच्चा था सैंडल स्कूल करता, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी। और फिर खुदा ने मजीद तरक्की करते हुए खुदा ने अपने मतलब सरफराजी दी और जब टीचर्स ट्रेनिंग आए ना सिर्फ लेक्चरर के तौर पर मैंने खिदमत सर अंजाम दी बल्कि ट्रेनिंग इंचार्ज के तौर पर मैंने 2 ट्रेनिंग जिसमें मैं इंचार्ज रहा। खुदा ने मुझे बरकत दी और बहुत अच्छे से मैंने दोनों ट्रेनिंग को सर अंजाम दिया। ना सिर्फ दूसरे चर्च में जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे चर्च में भी खुदा ने इस्तेमाल किया। साहिब खालेवा डिवीजन में एक 10 सर्वेशन आर्मी ने ट्रेनिंग करवाई, वहाँ पर उनके 12 डिफरेंट कोर्स से जो थे टीचर जमा हुए जिसमें बुल्तान और गिरदन हुआ के जितने भी वहाँ के सिटीज हैं तकरीबन 12 इलाकों से वहाँ पर लोग आए, उन्होंने खुदा के कलाम को सीखा। इसके अलावा खुदा ने एक बार फिर सर्वेशन आर्मी चर्च में
इस्तेमाल किया और फिर खाने वाले ने इनवाइट किया गया वहां पर संडे स्कूल रैली थी, वहां पर मैं मिस्टीना और शर्मिंदा ही हमारे साथ थी, हमने बहुत अच्छे से वहां पर पताका कलम सीखा है। इसके अलावा हड़प्पा में एक बार मुझे इनवाइट किया एज ए जजेस के तौर पर, वहां पर संडे स्कूल के प्रोग्राम को जज किया और अपने ही चर्च में जहाँ पर मैं नीचे गलियों पर बैठ कर पताका कलम सीखता था, खुदा ने इतनी बरकत दी, लोगों ने इतनी एप्रिसिएशन दी, प्यार दिया कि वही बता जो नीचे बैठ के खुदा ने कलम सीखता था उसको इतना ऑनर दिया कि उन्होंने 100 रुपये बिठाया, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया, शुक्रगुजार हूँ अपने आप का जो अपने बंदों को इस्तेमाल देता है। इसके अलावा 69 साहिब बाग में खुदा ने मुझे दो बार इस्तेमाल किया और चीफ गेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया, जजेस के तौर पर इस्तेमाल किया और खुदा ने हमेशा मौजूद थे। लेकिन हमारे तीन स्कूल शामिल हुए और तीनों ने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन निकाल ली है। इसके अलावा पिछले साल हमने स्कूल ओपन किया बुरेवाला में नॉन फॉर्मल स्कूल, उसको एक साल हुआ, टीचर ने बहुत मेहनत की, टीचर बहुत आइडियाज वाले हैं, सो उन्होंने इनवाइट किया अपने नॉन फॉर्मल स्कूल का एक साल मुकम्मल हुआ था, हमने उसकी सेलिब्रेशन की, खाना छाना बनाया, पेरेंट्स को अप्रिशिएट किया, बच्चों को अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर भी खिदमत सर अंजाम दी। इसके अलावा 2017 में हमारे पास 14 संडे स्कूल थे लेकिन खुदा ने इस साल नवंबर में एक और संडे स्कूल किया जिनका कलर प्रेम नगर 199 AL से है और वो भी हमारे साथ शामिल है, हमारे पास 17 संडे स्कूल है। इसके अलावा 2017 में हमारे पास 9 नॉन फॉर्मल स्कूल थे लेकिन खुदा ने बरकत दी, इस दफा हमारे 10 नॉन फॉर्मल स्कूल हो गए, नवंबर में एक हमने नया नॉन फॉर्मल स्कूल ओपन किया जो कि गॉस्पल कॉलोनी में ओपन हुआ। इसके अलावा पिछले साल हमारे पास बच्चों की तादाद 500 थी और इस दफा बच्चों की तादाद 600 हो चुकी है। हालेलुया, आपके प्यार से आपके तालुक की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ और इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम का जो के और सर का जो के मैं बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और मैं मौका देते हैं और उन्हें मिनिस्ट्री को रन किया और पूरे साहिबगंज डिवीजन में जितने भी गांव हैं जितने भी सिटीज हैं हमने सब में वर्क किया और सब में खुदा ने हमें इस्तेमाल किया और 600 बच्चे से आप अगर सोचें तो कम से कम 400 घर हैं क्रिश्चियन के जिनमें हम खिदमत कर रहे हैं, सो खुदा का शुक्र हो। इसी तरह मैं लूथरन चर्च की हमारी कॉन्ग्रीगेशन कितने लोग आज यहाँ पर बैठ रहे हैं, इन्होंने 2017 में मुझे बहुत प्यार दिया, सभी आंटियां सभी भाइयों ने खुशी से घर में कबूल किया, बहुत प्यार दिया, मैं आपके इस प्यार के लिए बहुत शुक्रगुजार। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा 2017 में हमारे साथ बहुत सारे जज ने काम में काम किया हमारे प्रोग्राम के जज के, सिर्फ एक और ने एक और जो कभी खिदमत के लिए इनकार नहीं किया फौरन बोला के माजरे उनमें पास्टर अजब जॉन है, पास्टर जैका है, पास्टर नोएला है, मिसेज नोएला है, मिसेज रुबीना नदीम, मिसेज शहर और मिसेज चंदेल भी और सर अमीन फर्जन, पास्टर शौकत साहब जो हमारे दरमियान आज भी मौजूद है और करीमा सलास मिसेज सीमा का सलास करी और अनीस गिल साहब मौजूद हैं जो कि स्कूल टीचर और बहुत ही काबिल शख्सियात हैं जो कि हमारे सारे सारे गाँव के उन सबों के दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 2017 में एक मीटिंग हुई थी सर मुनीर आलम साहब के साथ, उसमें ये प्लान किया गया कि हमारे पास 15 संडे स्कूल है, अगर 15 संडे स्कूल का प्रोग्राम एक बार करवाया तो 3 बजे प्रोग्राम खत्म होता है और 4 बजे खाना खत्म होता है, एक ही छुट्टी होती है वो सारे एग्जाम से गुजर जाती है, सो फिर उसमें फैसला किया गया कि आधे स्कूलों को एक बार तारीख दे दी जाए प्रोग्राम की और आधे स्कूलों का प्रोग्राम एक बार करवा लिया जाए। So, इस बात का जो अमल हमने 2017 में शुरू किया, सॉरी 2018 के जनवरी में ही आगाज किया। इसके अलावा मैंने एनुअल रिपोर्ट बनाई जिसमें हमने ये देखा कि पूरे साल में कितने ऐसे संडे स्कूल हैं जो मंथली प्रोग्राम में लगातार पोजीशन ले रहे हैं,
उनमें चार स्कूल सामने आए हैं जिनमें एक बॉस्टर जूनी है, जॉर्डन हॉस्पिटल है और चाइना। ये चार स्कूल हैं जो मुसलसल पोजीशन ले रहे थे और बाकी के स्कूल पोजीशन पर नहीं आ रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। सो मैंने स्टाफ के साथ मीटिंग की, उनसे बात की और फिर इस बात का फैसला किया गया कि इन स्कूलों का अलग से कॉम्पिटिशन करवा लिया जाए और बाकी स्कूलों का अलग से करवा लिया जाए ताकि ये बच्चे भी आगे बढ़े और खुदा की कलाम को सीखते जाए। सो इस आज जो प्रोग्राम होगा उसमें ये चार स्कूल शामिल नहीं होंगे। सो कुछ टीचर के जहन में कुछ कंफ्यूजन है वो क्लियर करता जाऊँ। इस प्रोग्राम का हर किस मकसद ये नहीं कि इन चार स्कूलों को अप किया जा रहा है और हमें डाउन किया जा रहा है। खिदमत में कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता। मैं बता जैसे आयत है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन पोजिशन को एक ही लगता है, खुद भी एक ही करता है। सो एप्रिसिएशन ट्रॉफीज गिफ्ट सब कुछ बच्चों के लिए एप्रिसिएशन के तौर पर है ताकि बच्चों की खुदा के कलाम को सीखते जाए और आगे बढ़ते जाए। जब भी आप चर्च में आते हैं इस सोच से आया करें कि खुदा के कलाम को सीखें और सिखाने के लिए आए। आपको किस बात से रजामंद है? अभी मैं आपके 5 मिनट लेना चाहूँगा। हमने 2017 के सर्वे स्कूल का प्रोग्राम वीडियो बनाए हैं जिसमें आप देखेंगे कि हमने कौन कौन से प्रोग्राम किए, किस तरह बच्चे खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं। घबराइए ना, आज प्रोग्राम 20 मिनट का सिर्फ प्रोग्राम है। जो बच्चों ने सुना वो 15 मिनट के शायद होगा, शायद इससे कम भी हो जाएगा। मेरे ख्याल में 1 मिनट की एक परफॉर्मेंस होगी। सो थोड़ा सा टाइम हम आप करें इसमें। चलो पे प्लीज प्ले कीजिएगा मंथली सर्विस स्कूल प्रोग्राम 2017। एक मिनट।